और दोस्तों आज आप मौसम देख सकते हैं, चारों तरफ धुंध लगी हुई है और पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है और पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉर्न टू बी पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत और मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं जंगली मशरूम, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में च्यू कहते हैं, कि जंगली मशरूम कैसी होती है और वो कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है। और दोस्तों जो आपको येलो कलर में दिख रही है वो ये जंगली मशरूम है और इसे हम हल्दिया चू कहते हैं। हल्दिया इसलिए क्योंकि इसका कलर हल्दी की तरह होता है, इसलिए हम इसे हल्दिया चू कहते हैं और इसे बड़े प्यार से निकालते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हल्दिया च्यू और हल्दिया इसलिए क्योंकि इसका कलर हल्दी की तरह है। तो ऐसे ही बहुत सारी वैरायटी हैं च्यू की, अगर मुझे आगे मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों इसी के तरह एक च्यू की तरह एक जहरीला भी होता है जिसे हम कोयड़ू कहते हैं, तो उसमें जहर होता है। तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसकी पहचान कैसे करें, कि कौन सी च्यू है और कौन सा कोयड़ा। और दोस्तों छोटा छोटा रहने दो ना, निकली। और दोस्तों जो ये आप मशरूम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं बार उंगलिया और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसे बार उंगलिया क्यों कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसका जो शेप होता है वो उंगलियों की साइज़ में होता है, जैसे हमारी उंगलियां होती हैं वैसे होता है, तो इसलिए इसे हम 12 उंगलियां कहते हैं। और काफ़ी टेस्टी च्यू है ये भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं च्यू ऐसे जगहों पे होती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पत्तों के नीचे छिपी हुई होती है, तो इसे बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है और निकालना पड़ता है। तो अभी तक तो हमें हल्दिया ही मिल रही है और 12 उंगलियां मिली और आगे बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और दोस्तों अगर मैं आपको च्यू के बारे में बताऊं, तो अगर बरसात बिल्कुल नियमित रूप से हो रही है और रोज़ बारिश हो रही है तो आपको च्यू के तप्पड़ मिलेंगे, पूरे मैदान में आपको च्यू मिलेगी। लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई तो बहुत कम च्यू मिल रही है हमें अभी नीचे नीचे, तो हो सकता है हमें ऊपर जब हम जंगल में ऊपर जाएँगे तो हमें च्यू मिले, लेकिन अभी तो हमें फ़िलहाल ज़रा सी च्यू मिल रही है। और दोस्तों मैंने जैसे आपको अभी हल्दिया च्यू दिखाई थी तो उसकी सेम टाइप में ये होता है जिसे हम कोयड़ा कहते हैं, तो ये जहरीला होता है। तो हमें पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जंगली मशरूम है और कौन सा कोयड़ा है, जो एक जंगली पौधा है तो इसका काफ़ी जहरीला होता है ये, तो इसे खाने से आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम इसे तोड़ेंगे तो इसके पीसेस हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं इनसे रेसे नहीं निकलते, और जो च्यू मशरूम होती है जंगली उससे रेसे निकलते हैं। अभी मैंने आपको वो जंगली पौधा जिसे हम कोयड़ा बोलते हैं वो दिखाया था और उसके ही जैसा ये अपना हल्दिया च्यू ये मशरूम, तो थोड़ा सा कलर में चेंजेस हैं। और अगर मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं जैसे इसके रेसे निकल रहे हैं, जो कोयड़ा था वो खट से अलग हो जा रहा था, उसके पीसेस हो रहे थे, इसके रेसे निकल रहे हैं, या बारीक सर ऐसा देख सकते हैं इसके, तो ये फ़र्क है च्यू और कोयड़ा में। तो दोस्तों जो मैं आपको कोयड़ा कोयड़ा बार बार बोल रहा हूँ वो एक्चुअली में एक जंगली पॉइजन होता है, उसे खाने से आदमी की डेथ हो सकती है। तो वो सेम च्यू की तरह होता है, मशरूम की तरह, जैसे जितनी वैरायटी की मशरूम होती है उतनी वैरायटी के वो कोयड़ा होता है जंगली पॉइजन। तो बड़े ध्यान से और बारीकी से पहचानना पड़ता है कि कौन सा कोयड़ा है और कौन सा
चूँ है। और दोस्तों अगर हम अपने जंगल को एक्सप्लोर करने पे आए तो हमें जंगल में बहुत सारी पुरानी पुरानी यादें मिलती हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप सामने देख रहे होंगे, ये कभी जंगल में कोई लोग रहते होंगे, ये उनका घर होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जंगल में एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों आज हमारी किस्मत में मुझे लग रहा है हल्दिया चूँ है, हमें सिर्फ अभी तक हल्दिया चूँ मिली है। चलो फाइनली दोस्तों मुझे मशरूम की दूसरी वैरायटी मिली, जिसे हम बंजा चूँ कहते हैं। और जैसे इसके नाम में ये बंजा मींस ये बांज के पत्तों के नीचे होती है और इसका कलर बांज की तरह होता है, बांज के पत्तों की तरह, इसलिए इसे बंजा चूँ कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जंगल की ओर बढ़ते जाएंगे, हमें जो चूँ की और वैरायटी हैं वो मिलती जाएंगी। और दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं इसे हम घिंगूरा कहते हैं, तो इसे हम खाते हैं। और दोस्तों हम अब काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अपने जंगल में, और अभी हम जिस जगह पे पहुँचे हैं उसे हम अयरखेत कहते हैं। हमें फिर से जंगल में एक और जानवर का निशान मिला है, तो इसे हम शोला कहते हैं। तो वो अपने पीछे कांटे छोड़ता है, तो ये उसका कांटा है, देख सकते हैं हम कितना नुकीला होता है। दोस्तों जब हम इंसान उसके पीछे जाते हैं तो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए इस कांटे को छोड़ता है, ये आप देख सकते कितना नुकीला कांटा है ये। और यहाँ गांव के कुछ घसेरी मिल चुकी हैं हमें, जो घास चोरी करने के लिए आई हैं बगीचे में। और ये गाय भी ला रखी है अपनी। तो आप देख सकते हैं सारे लोग मशरूम की उम्मीद में हैं कि मिल जाए मशरूम, लेकिन मशरूम उतनी मात्रा में नहीं हुई इस बार, क्योंकि इस बार बारिश थोड़ा लेट हुई और बारिश भी कम हो रही है। और मनोरम दृश्य हो रखे हैं बरसात के मौसम में जंगल के, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे। और इस हरे भरे जंगल में हम भ्रमण करते हुए तो काफ़ी आनंद प्राप्त हो रहा है इन्हीं। तो दोस्तों गांव में बरसात के महीनों में यही सीन रहता है, हर कोई जंगली मशरूम की तलाश में रहता है, और जिसे मिल जाए उसका दिन बन जाता है, क्योंकि काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में हमें मशरूम मिल चुकी है जंगली, और इसमें भी हल्दिया चूँ की मात्रा है। तो अभी हमें सिर्फ सब लोगों को हल्दी चूँ मिल रही है। और दोस्तों नीचे जो आपको गांव दिख रहा है, ये गांव, ये कुई गांव है, और ये हमारे गांव के इस साइड पड़ता है। ये रोड देख सकते हैं आप उनकी, और ये जो दीवार है ये दोनों गांव को अलग करती है। इस साइड जहां ये गाय चल रही है ये हमारा गांव पांथर, और इस साइड कुई, और ये हमारे बीच का बॉर्डर। तो आज बरसात में आप देख सकते हैं चारों तरफ धुंध लगी हुई है और सुंदर नज़ारे हैं। और दोस्तों बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है, आप देख सकते हैं मैंने छाता खोल लिया है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं कि हमें कुछ मशरूम मिल जाए। तो दोस्तों फाइनली मुझे ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे बहुत सारी चूहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं कैमरे में।
तो यहाँ पूरे एरिया में चूहे है, ये आप देख सकते हैं। और चाचा जी भी उधर निकाल रहे हैं, तो काफ़ी चूहे इस एरिया में। तो हम अब चू निकालने का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और दोस्तों फाइनली हमें चूहों की दूसरी वैरायटी मिल चुकी है, और इसे कहते हैं मलचू। तो ये सबसे सॉफ्ट होती है, इसे प्यार से तोड़ना पड़ता है। तो ये जब बरसात का मौसम शुरुआत होती है तो ये सबसे पहले जो चूह होती है वो मलचू होती है। तो ये मलचू है, वाइट कलर की होती है। तो दोस्तों हमें फाइनली बहुत सारी चूँ मिल चुकी है, और हम काफ़ी ऊपर गए जंगल में ढूंढने के लिए चूँ। और फाइनली आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दो पन्नियां हैं चूँ की, ये आप देख सकते हैं। तो हमें काफ़ी चूँ मिल गई है, और ये इनफ है हमारे लिए। और हम इसे बनाने वाले हैं चावल के साथ, तो इसे हम सब्जी के तौर पर बनाएंगे। और चूँ के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है, और इसके सामने आपको चिकन और मटन का टेस्ट फीका लगेगा। तो इसे अगर हम ड्राई बनाते हैं तो ये काफ़ी टेस्टी होती है। अगर इसमें हम थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं ये, तो इसका टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हमें इसे स्वाद के लिए और इसे बहुत टेस्टी बनाना है तो इसे हम ड्राई रखेंगे, और थोड़ा सा प्याज इसमें थोड़ा कच्चा रखेंगे, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। और आज हमें जो चूँ की वैरायटी है उसमें मोस्टली हल्दिया चूँ मिली है, ये जो येलो कलर की होती है, और ज़्यादा वैरायटी नहीं मिली। तो अब जैसे बरसात का मौसम कंटिन्यू है और बारिश भी लगी हुई है, तो हो सकता है हमें आगे दिनों में कुछ और वैरायटी मिले। तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर कैप्चर करेंगे अगर हमें आगे कोई वैरायटी मिलती है। आप आगे देख सकते हैं चाचा जी, और उनका लोभ बढ़ चुका है चूँ के लिए, और वो बिल्कुल ढूंढते जा रहे हैं। जबकि हमें आज के लिए दो पन्नी चूँ मिल चुकी है, लेकिन अभी भी ढूंढ रहे हैं। देखिए उनके हाथ में चूँ है, बंजिया चूँ। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जंगली मशरूम और जंगली पॉइजन, जिसे हम गढ़वाली में जंगली मशरूम को चूँ कहते हैं, और जो जंगली पॉइजन होता है हम उसे कोयड़ा कहते हैं, तो इनके बीच में आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों मेरे हाथ में हैं। तो जैसे मैं आप चूँ को अलग करने वाला हूँ, देखो आप चूँ के जैसे पीस होते हैं तो इसके रेसे निकलते हैं, आप देख सकते हैं बारीक से रेसे निकल रहे हैं। तो जो जितनी भी आपको जंगली मशरूम हुई इसकी पहचान है, उसमें रेसे निकलते हैं। और अब आपको दिखाने वाला मैं जो जंगली पॉइजन होता है कोयड़ा, जब इसको हम पीसेस करते हैं तो इसके टुकड़े हो जाते हैं, एक ये देखिए अलग से इसके टुकड़े निकल जाते हैं, इसके कोई भी रेसा नहीं निकलता। आप कितनी भी कोशिश कर लो इससे रेसे नहीं निकलते, इसके पीसेस हो जाते हैं अलग से बिल्कुल। तो अगर आप भी कभी मशरूम की खोज में जंगल की ओर जाएँ तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जितनी वैरायटी की हमारी मशरूम होती है उतनी वैरायटी का हमारा ये जंगली पॉइजन कोयड़ा होता है। तो आप ऐसे उसे डिफरेंस कर सकते हैं, उनका पीस करके देख सकते हैं, अगर उसमें रेसे आएंगे तो वो जंगली मशरूम है, और अगर उसके पीसेस ऐसे निकल जाएंगे तो वो जंगली पॉइजन यानी कि कोयड़ा है। मैं आपको दिखाया जंगली मशरूम, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में चूँ कहते हैं, जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और दोस्तों मौसम आप देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम हो रखा है, रिमझिम बारिश हो रही है, और हम अपने गाय को अब घर की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ देखिए चारों तरफ धुंध है।